I'm Inga Jacobs-Mata. I'm the regional representative. I'm an international writer, management institute, Southern Africa, Ofsiski regional deputy. Senator, इसमें शामिल है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे. साथ ही मैं वाटर ग्रोथ एंड इंक्लूजन की नए डायरेक्टर भी हूँ. मैं एक बहुत ही कमाल की पहल को लीड करती हूँ. इसका नाम है ओकम आउस टावी. ये CGIAR की रीजनल इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव है, जिसे कहा जाता है ईस्टर्न सदर्न अफ्रीका. और इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम कैसे अलग अलग प्रणालियों के जरिए मेज बेस्ड सिस्टम्स में विविधता लाते हैं और वहनीय रूप से इन्हें बढ़ाते हैं. और इनमें से कुछ क्योंकि एग्री बिजनेस एक्सेलरेशन से जुड़ी हैं, तो हमारा खास फोकस रहता है ईस्टर्न सदर्न अफ्रीका में एग्री बिजनेस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने पर और डिजिटल एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज को बेहतर बनाने पर, यानी इस क्षेत्र में क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज की डिलीवरी को और बेहतर बनाने पर. इससे शायद हमारे प्रयासों की पुष्टि होती है, यानी साझेदारियों पर जोर देने के महत्व की. स्थानीय साझेदारी और स्थानीय संस्थानों को सपोर्ट करने की यहाँ ये कहावत बिल्कुल सच साबित हो रही है कि हम साथ साथ बढ़ेंगे और विकसित होंगे और इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के द्वारा ये एक तरह का समाधान भी है. मेरी हिम्मत सिर्फ साझेदारी की संख्या से ही नहीं है जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, ये तो इसका सिर्फ एक पहलू है. मसला स्केलिंग का भी है. अगर हम अफ्रीका के 30 करोड़ किसानों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपना दायरा फैलाना होगा, अपनी इनोवेशन को और बढ़ाना होगा. ये पक्का करना होगा कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाने के बारे में बात करें, सिर्फ इन तमाम इनोवेशन तक पहुँच से ही संतुष्ट ना हो जाए. तो आप कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज के हमारे अगले सेमिनार का आनंद लीजिए. कैटलिस्ट ऑफ चेंज वीमेन लीडर्स इन साइंस सेमिनार सीरीज में आपका स्वागत है. हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये इसका इंटरप्रिटेशन इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी में उपलब्ध है. हम आपको लिंक्डइन, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आपको आमंत्रित करते हैं, वहां भी हमारी ये सेमिनार सीरीज उपलब्ध है. आप अपने सवालों और कमेंट्स को स्लाइडों पर उपलब्ध करा सकते हैं, जिन्हें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जिनका जवाब दिया जाएगा. साउथ अफ्रीकन आज की हमारी मेहमान है इंगा जेकब मेटा. आप प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हैं और आप रीजनल रिप्रेजेंटेटिव हैं IWMI साउथर्न रीजनल अफ्रीका रीजनल ऑफिस की. आपके साथ बात करेंगी नायली हर्नांडेज एस्पिनोसा, जो एक रिसर्च असिस्टेंट हैं वीट क्वालिटी और केमिस्ट लेबोरेटरी में सिमिट हेडक्वार्टर्स में. हर्नांडेज एस्पिनोसा ने काफी किताबें लिखी हैं, साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं जो वीट क्वालिटी से जुड़े हुए हैं. आप फिलहाल आपने बायोटेक्नोलॉजी में PhD की है. अब मैं ब्रैन गोवर्ट्स को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो डायरेक्टर लिमिट के, कि आप आज के वेबिनार को आरंभ करें. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. आप हम एक बार फिर से कैटलिस्ट चेंज सीरीज वेबिनार में आपके सामने हैं. हमने इस मिक्स्ड फायर चैट स्टाइल सीरीज को शुरू किया था ताकि हम और ज्यादा वुमेन लीडर्स को आपके सामने ला सकें. कहा गया है कि आप जो देख नहीं सकते आप वो हो भी नहीं सकते. हम अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स को दिखाना चाहते हैं. हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि इन महिलाओं ने जो सबक सीखे हैं अपने जीवन यात्रा के दौरान, उन्हें भी आपके सामने ला सकें. हम हर क्षेत्र की महिलाओं को आपके सामने लाते हैं जो अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई हैं. आप अपनी कम्युनिटी की लीडर हो सकती हैं या अन्य क्षेत्रों में भी. आज हम बहुत आपको हम आज मिलवा रहे हैं इनका याकूब्स माटा से. आपने पिछले वर्षों के दौरान बहुत कुछ सीखा है, CGIAR के इनिशिएटिव से जुड़ी रही हैं. आप इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से भी जुड़ी रही, रीजनल ऑफिस में है.
आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी है सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपने मास्टर्स डिग्री ली है इंटरनेशनल रिलेशन में स्कॉटलैंड से। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस आपने साउथ अफ्रीका में डिग्री ली है, साउथ अफ्रीका में डिग्री ली आपने। आप क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी से जुड़ी रही हैं, विशेषज्ञ रही इन क्षेत्रों की। आप वाटर स्टॉरशिप कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस सपोर्टेड सेल्फ सप्लाई से जुड़ी रही हैं, हाइब्रिड वाटर लॉ के बारे में से जुड़ी रही हैं और एनवायरमेंटल माइग्रेशन के बारे में भी। इसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिन्हें इन विषयों की गहरी जानकारी है और उम्मीद है कि आज आपको उनके साथ मिलकर बहुत आनंद आएगा। आपने बहुत सारे विषयों से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है इन क्षेत्रों से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में बताएंगी। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे इस आज के प्रोग्राम को चलाने वाली हैं Therefore, I'm sure that we will enjoy and Nayeli learn Hernandez from Espinosa. Outstanding leadership experience. And without further ado, हम आज इंगा से उनकी कमाल की लीडरशिप एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनेंगे। Thank you so much, Bram, for those बहुत बहुत शुक्रिया Bram. आपने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इसबेल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। आप सब लिसनर्स को बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। I could claim that I was the driving force for you to the pop group. I would be able to retire, have an early retirement. But alas, the work continues for Kamo Stawi. So, हो सकता है कि मैं जल्दी रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन हमारा काम जारी रहेगा। ब्रह्म, आपके परिचय के लिए बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी स्टोरी बयान करने के लिए इस शानदार कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद, जो एग्री फूड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब मुझे बुलाने के लिए न्योता दिया गया तो मुझे बहुत जिम्मेदारी महसूस हुई कि मैं भविष्य के नेताओं से बात करूंगी। And so I looked for inspiration in the impactful words of some of the iconic figures. Steve Jobs, मैं कुछ हस्तियों से प्रेरणा लेती रही हूँ। स्टीव जॉब भी इससे जुड़े रहे हैं। And the love for your work amplifies your potential to achieve greatness. उन्होंने कहा है कि आप अगर अपने काम से प्यार करते हैं तो आपकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आप हमेशा अपनी खोज को जारी रखिए। मिशेल ओबामा ने भी लिबरेशन के बारे में बात की है। They do not define you. आपने एम्बिएंट नॉइस के बारे में बात की है। Oprah Winfrey, and we all love Oprah, highlighted the importance of learning. हमारे काम से जुड़ी रही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने अनुभवों से, हर अनुभव से सीखें। आप अपने गलतियों से सीखें, अपने अवसरों और गलतियों से सुधार करते हुए अपने अवसरों को बेहतर बनाएं। But here's the reality. Certainly, my reality. खास तौर पर मेरी सच्चाई। This resonates with some of you on the call. But our paths are often not as straightforward as that, right? Many of us live in circumstances that make those words challenging to achieve, let alone believe. हम में से कुछ बहुत से लोगों का सामना बड़े चुनौतीपूर्ण स्थितियों से होता है। हम तब कंप्रोमाइज करते हैं और कभी कभी हमारी यात्रा बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। एक रिसर्चर के तौर पर मेरी भी यात्रा ऐसी रही है। मैं आप सबसे इस बारे में जानना चाहूंगी, सुनना चाहूंगी कि आप में से कितनों को ये पता था या कितनों ने ये प्लानिंग की थी कि आप जो कुछ कर रही हैं वो आप पा पाए जब आप बचपन में थे। आप क्या बता पाएंगे कि आप में से कितनों को ये पता था कि आप एक एग्रो इकोनॉमिस्ट बनेंगे या एक ब्रीडर बनेंगे या एक साइंटिस्ट बनेंगे जो आज आप हैं।
So Kevin says not me. Thank you, Kevin, for your honesty. In fact, I'm very much in that same boat. My journey as a researcher was very unexpected. एक रिसर्चर के तौर पर मेरी यात्रा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही. मैं उस यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगी. मेरी परवरिश केप टाउन में हुई थी, वहीं मेरा जन्म हुआ. केप फ्लैट्स में ये ग्रामीण इलाके के परिवेश से बिल्कुल अलग है जहां हम सीजीआईआर वगैरह में काम करते हैं. ये वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण है यहां पर रहना. The tail end of apartheid and witnessed its abolishment, as well as the जब मेरी परवरिश हो रही थी तब अपार्थिड अपने अंत की तरफ था. Growing up, particularly at that time, your life, not only mine, many South Africans like me, उस समय साउथ अफ्रीका के बहुत से लोगों की जिंदगी एकदम स्टीरियोटाइप थी, एक सी थी. And apologies to my North American colleagues on the call. It has a very different meaning. North America के लोगों से माफी चाहूंगी कि South African context में रंग का बड़ा महत्व है. The mixed race ethnic group that is very particular and specific to mixed race to the ethnic groups in South Africa. जो केप रीजन में previously disadvantaged individual, a person of अलग ही है. First and foremost, and in many ways those stereotypes continue to shape how I navigate the world and how others see me. तो ये stereotype situation मेरे लिए आगे भी जारी रही. I was fortunate to have parents who लेकिन सौभाग्य से मेरे ऐसे माता पिता थे जो बहुत पैसे वाले या बहुत शिक्षित तो नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरे अंदर ज्ञान की शक्ति को भरा. इससे मुझे प्रेरणा मिली, उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी. इससे मैं और ज्यादा मेहनत करने लगी, मौके ढूंढने लगी, अवसर ढूंढने लगी. मुझे पहली स्कॉलरशिप मिली ग्रेजुएशन लेवल पर, जिससे मैं हाई स्कूल स्कूल की शिक्षा पूरी कर पाई हांगकांग से. हांगकांग से एक 16 साल की केप टाउन की लड़की के लिए यह एक बहुत अनोखा मौका था. ये मेरे जीवन का एक बहुत ही खास अनुभव भी रहा. इससे मेरा सामना विविध संस्कृतियों से हुआ. इससे मेरे अंदर ये सिद्धांत पनपा कि अगर लोग आपस में एक दूसरे को समझें तो कैसे शांति कायम हो सकती है. ग्रेजुएशन के बाद मैंने कई यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया और मुझे ग्रिनाल कॉलेज आयोवा के कॉलेज से फुल ग्रेजुएशन फुल इट्स इन द मिडल ऑफ कॉर्नफील्ड्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर रियली बट इट गेव मी दिस लिबरल आर्ट्स एजुकेशन दैट टॉट मी टू थिंक डीपली एंड रिफ्लेक्सिवली. जहां से मुझे जो शिक्षा मिली उससे मैं गहराई से और दुनिया के बारे में कंपैशन के साथ सोचने लगी. यहाँ से जिंदगी में एक बदलाव आया. ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मुझे फॉरेन नौकरी मिल जाएगी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि मैं अपने साउथ अफ्रीका ही लौटना चाहती थी किसी डिप्लोमेट या दूसरे प्रोफेशन में. मुझे 83 जॉब्स मिले. 83 जॉब्स में अप्लाई किया और 3 का जवाब आया और 1 के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और ये काम भी मुझे मिला नहीं. मेरे लिए ये अनुभव काफी कड़वा रहा. फिर मैं घर लौटी ताकि मैं अपनी इस निराशा को दिल से हटा सकूं. लेकिन मेरे दिल में रिसर्च के प्रति बड़ा जुनून था. मैं और आगे पढ़ना चाहती थी तो मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री का खर्च निकाला. मैंने रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सोचा और इससे मेरी इस यात्रा को एक आकार मिला. Could be about natural resources like oil, water or diamonds. अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इससे दुनिया के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे कि ऑयल पर क्या फर्क पड़ता है. Refusing to believe that something as vital to life as water could cause the implosion of the world order. जीवन के लिए पानी जैसी जरूरी चीज भी दुनिया में किस तरह अफरा तफरी मचा सकती है, इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. तो उन्होंने मुझसे इस टॉपिक पर
अपना माय डिसर्टेशन थीसिस इन वाटर एंड देन लिखने को कहा, एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड द तो रेस्ट इज मैंने ऑल जस्ट पानी फॉर्म और हिस्ट्री माय रिसर्च लेड मी टू वाटर गवर्नेंस रिसीव की दिशा को चुना। अनदर फुल स्कॉलरशिप टू परस्यू अ पीएचडी एट सेंट एंड्रयूज फिर मैंने यूनिवर्सिटी इन पीएचडी की स्कॉटलैंड सेंट एंड्रयूज अलाउड मी टू यूनिवर्सिटी फोकस स्कॉटलैंड स्पेसिफिकली से, ऑन वाटर गवर्नेंस इन अफ्रीका जिससे मैंने वाटर गवर्नेंस अफ्रीका की वाटर एंड गवर्नेंस पर कंटिन्यू यू फोकस नो किया रिफाइनिंग माय 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 और इस थॉट्स तरह मैं इन अपने इन दिस विचारों को एरिया और रिफाइन बट करती रही। स्टडिंग दिस वेरी क्रॉस कटिंग फील्ड एंड अप्लाइंग इट आर टू टोटली लेकिन डिफरेंट इस थिंग्स क्रॉस कटिंग फील्ड में काम आई करना स्टार्टेड और टू इसे अमल वर्क में लाना इन एकदम अलग द चीज है। वाटर सेक्टर इन साउथर्न अफ्रीका एंड एंड वाज समवॉट ऑफ एन ऑड बॉल and I'd really like to also see in the chat how many of you can relate to this, but I was still very much a girl, you मैं know, तब भी of छोटी ही color थी। in a white male dominated sector. And don't get me मैं wrong, I am very fortunate to have many ब्लैक of them as कम्युनिटी से mentors, थी and who have shaped who I have और व्हाइट become लोगों के today. बीच काम कर रही थी। But gender and race aside, perhaps most challenging was मेरे working in सामने a जो सबसे बड़ी sector चुनौती आई वो dominated थी by biophysical and engineering capabilities and mindsets. So I did what अलग any अलग survivor बायो would do, right? I माइंडसेट used वाले whatever लोगों के साथ I काम had करना। in my arsenal: wit, charm, मेरे पास जो good कुछ भी था skin, मैंने उसका इस्तेमाल किया, sharp मैंने अपनी elbows, ताकत का इस्तेमाल anything to किया advocate and fight for my space. That is to wear और my अपने social स्पेस के science लिए lens to see काम and किया analyze the world around me. And for ताकि me, मैं अपने the आसपास की turning दुनिया point को in my एनालाइज कर career was सकूं। when I stopped fighting for social जब science जब to मैंने be लड़ना included and started to lead large transdisciplinary projects. Taking on transdisciplinary teams and embracing transdisciplinarity as an individual, as a social scientist, मैंने एक in a सोशल largely साइंटिस्ट के तौर natural पर science dominated space was in fact my नेचुरल space. साइंस And that's how I sort of के found my क्षेत्र में काम place करना in the शुरू water किया sector. And maybe और just coming back to इस what तरह I मैं do in वाटर सेक्टर में आई। CDIR and in agri-food systems, what I found was so applicable in how this transdisciplinary mindset and lens can support and reinforce the work that we do today. In Africa, हमने जाना कि अगर हम इस how क्षेत्र में major काम करते हैं तो adaptation इससे हमारे challenge जिस involved फील्ड में हम in काम करते हैं उसको कैसे droughts, सशक्त बनाया जा floods, सकता है। climate variability, and various combinations of these. We work to build the resilience of smallholder farmers and other vulnerable हम छोटे groups किसानों in की coping with all of these shocks, right? लचीलेपन को बढ़ाने के लिए The काम करते combination हैं। of all of these vulnerabilities coming together in the very same season. We live in इन छोटे regions किसानों that have को become now एक climate ही सीजन hotspots, में and तमाम मुश्किलों का conventional सामना करना farming as पड़ता we है। know it today will not be feasible in many places. So where, when, and how आज we जो हालत चल farm रही है, दुनिया की जो will हालत चल रही है, change dramatically. उसकी वजह से And कृषि बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। as a famous person also once said, addressing our current challenges requires both doing things किसी ने कहा differently भी है and doing the कि things we चुनौतियों, currently do अलग differently. तरह की चुनौतियों को का We सामना करने के face लिए हमें now with अलग तरीके new से काम and करना होगा। emerging challenges आज in हमारे the सामने नई agri-food नई चुनौतियां systems सामने we खड़ी हो work रही in, हैं। climate एग्री फूड change, सिस्टम के growing क्षेत्र में fragility, क्लाइमेट बदल social रहा है, inequality. Most सामाजिक of the major असमानता trends that the भी आ रही IPCC है। in fact speak about demand more integrated levels of ingenuity and expertise from a diverse set of backgrounds. And no amount of और technical इनको हल and करने के लिए विविध scientific पृष्ठभूमियों ingenuity वाले is लोगों की adequate जरूरत है। if the सिर्फ solutions साइंस generated से are ही not बात नहीं relevant, बनेगी, digestible, and जो acceptable समाधान निकल to रहे the हैं various socio-political and उनसे उन socio-economic तमाम contexts अलग of our तरह तरह time. की चुनौतियों And so का I समाधान found निकालना संभव नहीं हो embracing पा रहा है। transdisciplinarity was a तो key मुझे लगा tool कि to helping ट्रांसडिसिप्लिनरिटी navigate को this. So maybe just to share a अपना कर couple of मैं इन words on चुनौतियों का सामना कर सकती हूँ। transdisciplinarity. To me, मैं इस बारे में transdisciplinarity कुछ बातें बताना more चाहूंगी। than a new मेरे लिए discipline ट्रांसडिसिप्लिनरिटी or एक super. It's not even नया new डिसिप्लिन anymore. ही नहीं है, It's really a way of seeing the world, a more ये दुनिया को systemic देखने का एक and तरीका भी holistic है, way of seeing the world. ज्यादा And by सिस्टमैटिक working और through होलिस्टिक the तरीके lens से of देखने का। multiple perceptions to understand different forms of reality, वास्तविकता के transdisciplinarity अलग अलग रूपों helps को facilitate देखने this के अलग deep अलग नजरिए हो understanding सकते हैं of these कि very कैसे इस complex बारे में problems. गहरी समझ For me, बनाई it's जाए, about इन गहरी चुनौतियों के बारे में जो acknowledging पेचीदा different भी हैं। levels and perspectives of reality, both the objective and the subjective. And I know, as a scientist, you know, I'm bordering on sensationalist here, but
honestly, if we were to think about our science as one knowledge or as one lens, we know that there are very many other forms of reality as well. ये जानते हैं, हम वास्तविकता के कुछ और पहलुओं को भी जानते हैं जो हमारे सोशल सिस्टम सामाजिक परिवेश में मौजूद हैं. इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रैग्मेटिक हो सकती है, एथिकल भी हो सकती है, लेकिन ये स्थानीय भी हो सकती है, इंडिजिनस भी हो सकती है, डॉक्यूमेंटेड भी हो सकती है. तो इसे कई स्रोतों से हासिल किया जा सकता है, इन्हें एक्सपर्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी हासिल किया जा सकता है. अब हमें तो एआई का सामना भी करना पड़ रहा है जो इंसान नहीं है. ज्ञान का उत्पादन इंक्लूसिव है, समावेशी है, इसमें बहुत से एक्टर शामिल होते हैं. सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, एंड यूजर्स, एंड दिस काइंड ऑफ इंटरकम्युनिटिव प्रोसेस हेल्प्स इस तरह की प्रोड्यूस प्रक्रिया में एंड ट्रस्टेड नॉलेज. ज्यादा सही ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है. As well as the very specific context of a problem is really essential, इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी समस्या people, को गहराई से समझा जाए, चाहे इसके साथ well संस्कृति जुड़ी हो, लोग जुड़े हों, या राजनीति जुड़ी हो, तभी हल निकाला जा सकता है. मैं जानती हूँ कि ये कहना आसान है पर करना मुश्किल है, पर अब ये जो डिसिप्लिनरिटी है ये ज्यादा अमल में आती जा रही है. For me is another level of advancement, I would say. For me, मेरे लिए ये एडवांसमेंट का एक नया स्तर है. Transdisciplinarity as individuals is really about how we build networks within the domain of the unfamiliar. So collaborating with people beyond हमें one's लोगों के साथ discipline or सहयोग करना होगा, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से. rewarding thing about the regional initiative that Bram spoke about, मेरे लिए रीजनल इनिशिएटिव का was that I got the opportunity to really engage बढ़िया मौका and collaborate with था, लोगों के साथ, within summit, साथियों के साथ सिमिट के अंदर CGIAR, विचार विमर्श करने का, और really साथ ही सीजीआईआर के लोगों से भी बातचीत CGIAR करने का. initiatives and now also the science programs. But also embracing transdisciplinarity is about how we engage in को meaningful dialogue. So not just अपना कर हम ये भी रास्ता निकाल सकते हैं कि कैसे मीनिंगफुल डायलॉग्स को अंजाम दें. मैं एक और कदम आगे जाती हूँ, जाएं और हालात को समझें, साथ ही पावर डायनामिक्स को भी समझें. हम जब ऐसा करते हैं तो अक्सर अक्सर स्थितियां सबके लिए समान नहीं होती हैं, और ये इस समस्या को हल करने की पहली सीढ़ी होती है. तो सार के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम embracing the unexpected. The idea that every twist in your path is an opportunity to learn and grow. अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने का, पनपने का मौका देती है. हम अवसरों को ढूंढें, हम सक्रिय हों और अपने लिए खुद अवसर पैदा करें. अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपने लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल सकते हैं. और एग्रीफूड डाइवर्सेशन के क्षेत्र में ये काफी पेचीदा है, लेकिन अपने इन प्रयासों से हम नए समाधान निकाल सकते हैं. इसे हम काफी गहराई तक पहुंचकर हल कर सकते हैं. तो इजाबेल, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अब हम आगे विचार विमर्श करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया निगेली. Thank you, Isabel. Thank you, Dr. Inga. Thank you very much for your Dr. excellent Inga. presentation. आपने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दी. Participation of the audience, Dr. Inga. और ऑडियंस का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी. डॉक्टर इंगस, आपने अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में बताया, उसके लिए धन्यवाद. आपने बताया कि कैसे काम और जीवन का संतुलन बनाया जाता है. So, Dr. Inga, in order to get to know you more, I have some आपको और ज्यादा जानने के लिए हम आपके सामने कुछ सवाल रख रहे हैं. धन्यवाद.
एक वुमन लीडर के तौर पर आपको कैसे लगता है कि आप एक इंस्पिरेशन हैं अगली पीढ़ी के लिए? That's actually a lot more challenging to answer, Nayeli. इस सवाल का जवाब देना काफी चुनौती भरा है. Wake up in the morning thinking, you know, that I would be an inspiration. मैं जब सुबह सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कैसे प्रेरणा बन सकती हूँ, कि मेरे कैसे मेरे एक्शन दूसरों को प्रेरित करेंगे. कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को उदाहरण बनाऊं दूसरों के लिए. Working with women in, especially in the science domain, in the जब agri साइंस food के क्षेत्र system, में महिलाओं के साथ बात करने की is really विषय more आता and more है, now, I would say, but certainly अब ये संख्या बढ़ने लगी है. a lot needs to be done to पर अभी ensure इस that क्षेत्र we में can बहुत कुछ support, किया जाना है, you know, ताकि ये young सुनिश्चित women किया जा सके to कि हम build युवा appropriate महिलाओं को careers, सपोर्ट कर सकें, ताकि वो and अपने that's why करियर I में आगे choose बढ़ें. to spend my और time मैंने working. इस और मैंने अप, Often अपना being, समय इसी पर लगाना चुना है. you know, people have often asked me, you know, लोग अक्सर मुझसे sort of, पूछते हैं you know, why the focus on, are कि you आपका फोकस preferentially, you know, favoring women in recruitment? And I महिलाओं say, को you रिक्रूट know, करने पर क्यों I'm रहता है? not, और मेरा you know, जवाब होता है favoring कि women. I मैं do hire महिलाओं men, का but पक्ष only नहीं if ले they're रही good हूं, enough. मैं पुरुषों को भी भर्ती Yeah. करती हूं. I guess it's just a way of really trying to be purposeful and intentional about मुझे लगता है कि recruiting ये and पर्पसफुल और supporting women इंटेंशनल in होने का their एक तरीका journeys. है, ताकि महिलाओं को Thank you उनके very much सफर for में this समर्थन दिया जा enjoyable सके, मदद की जा responsibility. सके. You enjoy this शुक्रिया. responsibility for this. You are a mentor of many women आप एक around the world. मेंटोर हैं बहुत से Thank लोगों you. के लिए. So, बहुत बहुत at शुक्रिया. this moment, do you plan to stop here? Like director क्या in आपका इस water, समय growth and inclusion in South Africa, or what projects do you have for the future? यही दक्षिण अफ्रीका में ही रुकी रहना Definitely चाहती not. हैं, या I भविष्य के believe लिए people आपके क्या प्लान हैं? in बिल्कुल CGIAR, नहीं. you know, सी जी आई the आर में thing बहुत about से लोग working in CGIAR is बहुत finding sort of quite like-minded people that, you में काफी know, एक ही सोच work के लोग is मिलते such हैं, a passion for और them. उनको अपना काम एक जुनून लगता है. On the other hand, it could also become दूसरी तरफ bit of a curse, right? That we are ये so एक मुश्किल driven भी हो सकती by है our work, but कि हम really अपने thinking of it काम को लेकर positively, जुनूनी हो जाते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव it तरीके is से इस really बारे a में सोचेंगे. passion. So I don't ये see वाकई एक myself जुनून है, definitely not stopping. In fact, now, तो मैं you रुकने know, वाली we नहीं हूं. are. I'm really excited that I am contributing to the design of मैं the इस बात को लेकर CGIAR बहुत Scaling एक्साइटेड हूं कि Program मैं with कि मैं one of सीजीआईआर के स्केलिंग your प्रोग्राम Gamescom को Summit डिजाइन colleagues, करने के काम से Tim जुड़ी हूं. Krupnik. And that's been quite an, you know, challenging but also exciting मेरे लिए का ये काम काफी चुनौती भरा रहा है, लेकिन consistently साथ what we ही have done in the regional integrated एक्साइटिंग भी है कि initiatives and now हम amplifying that रीजनल to a global program. So that's इनिशिएटिव को really चला रहे sort हैं of और in इसे the immediate, बढ़ाकर ग्लोबल प्रोग्राम बना रहे in हैं. very short term, what keeps me going at this stage. Okay, very good तो ये बात projects. मुझे So आगे what about बढ़ाती your रहती है. personal life? Do you आप अपने promote निजी जीवन this? के बारे में बताएं. Pardon, can you just repeat that, Nayeli? In your personal सवाल life, दोबारा your चौराहे projects? दोबारा दोहरा. For the future, what's your ओ projects? भविष्य को लेकर Okay. आपके क्या So प्रोजेक्ट्स हैं? personally, I look ओके, forward to a relocation. So I will be relocating मैं my फिलहाल family दूसरी जगह from South बसने के Africa बारे to में सोच Kenya रही हूँ. soon. मैं साउथ अफ्रीका से And केनिया that's जा रही quite a हूँ, big move for us. और ये एक You हमारे know, लिए बड़ा कदम है. moving kids and family, household and all, बच्चों को, परिवार को, पूरे घर को एक से is a दूसरी जगह really ले big जाना one. एक बड़ी But चुनौती है. लेकिन you know, already just balancing work and life is a लेकिन challenge in हम and of itself, काम as I'm sure you know. और I have जीवन two को kids, बैलेंस करना and जरा मुश्किल that होता है. is also, you know, मेरे balancing दो बच्चे work हैं जो शादीशुदा with हैं. those personal commitments has always been a personal challenge of mine. But मेरे लिए ये हमेशा एक I निजी believe that is चुनौती in रहा the है कि मैं कैसे relocation as काम और well. अपने परिवार को Okay, very good. का Thank you. संतुलन बनाऊं, पर मैं रिलोकेशन A के बारे में few सोच रही हूँ. things that शुक्रिया. you have to sacrifice to achieve your dreams. क्या अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको कुछ कुर्बानियां करनी पड़ती हैं? I think, yeah, that's a मुझे लगता है challenging हाँ, one. ये It वाकई एक बड़ी would be great चुनौती to है. hear
what colleagues also on the call compromised, but I think we all do at times. पर मुझे like लगता I है said, कि you know, हम सभी being, कभी ना कभी ऐसा करते हैं. A woman in a leadership position and managing a family and जब a आप household, लीडरशिप for me पोजीशन में being होते हैं तो challenging आपको and परिवार people भी who say संभालना पड़ता है, that they अपने can काम को do भी it देखना पड़ता है. and still look good, really वो I कहते would हैं कि वो ऐसा कर start पाते हैं, writing in लेकिन that book. It's really a lot more challenging than what we sometimes let out, right? We were just chatting before the call about how our travel schedules and how difficult it is, हम अभी right? अपने ट्रैवल शेड्यूल के बारे में बात कर रहे थे. Nowadays, traveling, you know, every second week, really, हर you know, दूसरे हफ्ते मुझे you often यात्राएं do करनी पड़ती हैं. compromise some of that valuable family ऐसे time, में आपको अपने फैमिली टाइम के साथ I've met कॉम्प्रोमाइज so करना many पड़ता है. colleagues like me as well, who 10 years down the और line, मेरे they बहुत look back से and if they साथी हैं वो इसी तरह mention करते a हैं. regret, it's the time that they spend with their family that could have been, you know, more. So I would say that is my constant battle, तो trying to ये really, you know, एक balance ऐसा those संघर्ष two. है जो लगातार चलता रहता है, Okay, the balance of the time. यानी Okay, आपको समय so का at this संतुलन moment, बनाना होता है. Inga, you are a leader woman. So आप एक how do लीडर you वुमन get हैं, up every morning to be तो आप able जब to हर lead? सुबह उठती हैं Do you have any routine or habits तो to आपका दिन का start क्या the रूटीन day? रहता है, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? Oh my goodness me. I don't think I have a daily routine मुझे नहीं apart लगता from कि मेरा having कोई रोज का रूटीन a है. generally positive outlook on life. So I do know बस that मैं जीवन some, के बारे you में know, एक सकारात्मक my energy रवैया levels रखती can हूँ. be a little bit overwhelming at मैं times. अपने एनर्जी But लेवल, इससे मेरा that is एनर्जी लेवल काफी हाई रहता है. my, you know, natural state of being, just being a little bit of an ये optimist and an idealist. मैं आशावादी रहती हूँ, सिद्धांतवादी But भी I हूँ, will say at times that पर कहना has been चाहूंगी कि tested. And पर the कभी कभी number of समय times that आपके I इम्तिहान लेता walk है. into a bathroom or a quiet space and do a power pose just to compose myself in पर a कभी कभी ऐसा भी meeting होता है कि or मुझे खुद in को शांत करने an के लिए, किसी engagement that मीटिंग was से पहले खुद particularly को challenging कंपोज करने के लिए is something शांत that जगह I में जाना do. पड़ता है. So I'm sure many on the call can also relate to, you know, imposter मुझे लगता है syndrome, कि where you're really constantly doubting yourself and whether or not कभी कभी ऐसा do समय you आता live है जब up आप to अपने it? आप Do you ऊपर do you have what it शंका takes? करने Maybe लगते हैं you don't. कि क्या What am I आप वो सब कर doing पाएंगे, here? वो चुनौती झेल Am I पाएंगे. worth it? Right. And so one of my strategies is literally that power pose where you go into तो a मैं ऐसे quiet में place पावर and you पोज की just मदद लेती हूँ. take that deep breaths and to मैं really गहरी just सांस लेती हूँ whatever you और need to do अपनी to ऊर्जा को फिर really से इकट्ठा करने की remove कोशिश yourself करती from हूँ, that situation फोकस की that कोशिश करती हूँ. you know is particularly challenging and regroup that sort of keeps me sane at times. Yeah, do you इससे have मेरा a lot मानसिक of संतुलन बना activities रहता है, you need to remove यानी आप काफी yourself एक्टिविटी करती हैं. in the various activities? Okay, all people, Inga, we have all thought that we can change the world. At this moment, how हम do you सभी ये think सोचते हैं कि you हम बदल have सकते हैं. contributed to transforming it? आपने बदलाव की दिशा में कितना Wow. काम किया है या कैसे करती हैं? If I can be so bold, I would hope anyway that मैं ये उम्मीद करूंगी that the work that we do कि हम जो काम करते in हैं Africa with Summit and other अफ्रीका partners, में you know, सिमिट और दूसरे पार्टनर्स के transforming साथ, the lives of smallholder farmers and other vulnerable groups, जो हम right? छोटे किसानों की Whether जिंदगी को it's बदलने के लिए one करते हैं. practice, conservation agriculture practice, चाहे or वो कंजर्वेशन one एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो, technical assistance provided to an agribusiness, all चाहे of हम एग्री these बिजनेस को तकनीकी many, सहायता many मुहैया कराएं, small ये activities सब छोटी that छोटी contribute गतिविधियां to changing the lives of people on the ground, लोगों की जिंदगी I बदलने में would मदद say करती हैं. that cumulatively is really what और keeps इन me सब का मिला going. So जुला असर I would hope मुझे that सक्रिय my रखता है. efforts there have made a little impact. मुझे लगता है Yes, कि मेरी इन thank you कोशिशों very से much थोड़ा असर तो पड़ता for your होगा. contribution.
in Africa. आपके अफ्रीका में आपके सहयोग के लिए शुक्रिया. you the opportunity to start over, would you repeat अगर आपको दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो आप कुछ बदलना चाहेंगी या इसी रास्ते पर चलना चाहेंगी या कुछ बदलाव लाना चाहेंगी? You know, we that's an interesting question because we always बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं. So we always think that an older version of us is wiser than a younger version, you know. हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो बड़ी उम्र वाला प्रतिरूप होगा वो कम उम्र वाले प्रतिरूप से बेहतर होगा. मैं इसे बदलना चाहूंगी. And you know, I've thought, I wonder what a younger version of me would have said about who I am today. मैं ये सोचूंगी कि मेरा जो यंगर वर्जन है वो मेरे आज के प्रतिरूप के बारे में क्या सोचेगा. I think a younger person would tell me to stop and मुझे smell लगता है वो the यंगर roses and have प्रतिरूप a little bit more fun and मुझसे कहेगा कि मैं थोड़ी ज्यादा मस्ती करूं, and थोड़ा so, सा maybe फन करूं, that's ज्यादा सीरियस way of तरीके से जिंदगी ना बिताऊं. Nayeli. I think you know, just making sure that we do that. A colleague of ours recently, in fact, one of our workshops for our program had a was really determined to have a session on work-life balance. मैंने सोचा हुआ था कि वो work-life balance के बारे में एक session करेंगे. It took us away from the content, and we thought, do we really शुरू want में to हम spend अपने content time? से थोड़ा दूर so हो गए, revealing. And लेकिन in a way, इस पर बातचीत करने से almost हमें बहुत कुछ पता चला. It just brought everybody back to the reality that yes, we have और these इससे very हम सबका ध्यान important जिंदगी की हकीकत की तरफ गया. और हमें हमें याद आया कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिए गए हैं. हमें साइंस प्रोग्राम बनाने हैं, उन्हें लागू करना है. stuff, work, I mean people, you know, personal lives that we are still embedded within, and it's really important to remind ourselves of that. हम लोगों को अपने ये जरूरी है कि हम अपने निजी जिंदगियों के बारे में फिर से सोचें. शुक्रिया. Create the opportunities, मौके work पैदा करें, with passion, जुनून के साथ काम करें, and balance of life. कंट्रीब्यूट करें और Thank जीवन you का very संतुलन. much. And I have added my आपका last question. What is your ये favorite कहना था. book? आपका मेरा आखिरी सवाल है, आपकी सबसे पसंदीदा My किताब कौन सी favorite है? book. Goodness me, I have so many. I have so many. मैंने बहुत Of सारी course, किताबें पढ़ी हैं और मुझे I'm a काफी किताबें mother पसंद हैं. of a 6-year-old and a 9-year-old at the moment. So you मेरे must 6 और 9 साल forgive के दो me if, बच्चे you know, हैं, an old तो dog मुझे is माफ really कीजिएगा. front and center at the moment. And the BFG, the Big Friendly Giant, has ज्यादा really पढ़ नहीं been पाती हूँ, taking up a lot of my time. So I बच्चे let मेरा me काफी leave समय with ले लेते that. हैं. The Big Friendly Giant, BFG, BFG मेरी has made me smile a lot lately. को पढ़कर मैं Amazing. काफी Thank हंसी you, हूँ. Inga. वो मेरी Thank you पसंदीदा very किताब much. है. बहुत बहुत शुक्रिया इंगा. Thank you so much, Nayeli, and thanks everybody. बहुत बहुत शुक्रिया नायली. बाकी Thank you, सबका भी बहुत Nayeli, धन्यवाद. for having this very शुक्रिया rich नायली, conversation with Inga, आपने Gabby's एक बहुत mother. ही समृद्ध Thank you, Inga, for वार्तालाप sharing किया. with us इंगा, your thoughts and आपने अनुभवों reflections. को हमारे साथ Now we would like शेयर to करने के open लिए the बहुत floor शुक्रिया. to questions from the audience. We अब हम invite you ऑडियंस to के raise your सवालों hand, to turn on को your आपके camera सामने and unmute लाएंगे. आप अपना yourself हाth उठा सकते if you हैं, would like to कैमरा ask ऑन a कर question or सकते हैं. comment, or you can अगर आप submit कोई them via सवाल Slido. करना So चाहते would हैं you या कमेंट submit करना your चाहते हैं तो questions स्लाइडो to की मदद us? ले सकते हैं. And तो हमें let's कुछ सवाल welcome मिले you हैं. here. पहला सवाल ये है, How do you describe a leader, or what would be your recommended आप किसी लीडर leader को कैसे style? डिस्क्राइब करेंगी? It could be your own, or what it could make the लीडर difference. का किसी लीडर का स्टाइल क्या होना चाहिए? ये आपका भी हो सकता है, आपके मित्र का भी हो सकता है. लीडरशिप के बारे में That's a really interesting one because I think there's, ये सवाल you know, काफी different दिलचस्प है. leadership styles needed for different situations. अलग अलग You know, सिचुएशंस के लिए अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स की जरूरत होती I've है, seen उनकी मदद लेनी होती है. and perhaps maybe my leadership style is मेरा a bit लीडरशिप more स्टाइल on the consultative जो है side, a little bit कंसल्टेटिव more साइड on पर है, the sort of विमर्श की ओर है. ideation. So I like to spend a lot of time inspiring teams to come up with मैं टीमों ideas, को right? And प्रेरित I करने spend a पर lot of काफी time समय लगाती हूँ. consulting with partners. It's also exhausting. मैं पार्टनर्स के साथ I want to कंसल्ट करने answer पर भी my काफी समय leadership लगाती हूँ, style हालांकि ये काम is काफी an थकाऊ होता है. exhausting one.
But that's just how I see the world. And there's और a मैं ऐसे ही time काम and करती place हूँ. for that leadership style. But also, I think there are spaces and places for results-focused leadership where you really need, रिजल्ट फोकस लीडरशिप you के know, लिए a kind अलग of a स्थान और aim अलग and doing, समय especially in the होता है, implementation of खासकर projects कार्यान्वयन के and मामले में, initiatives. So, प्रोजेक्ट्स yeah, I और would say इनिशिएटिव्स के I think मामले में. there's so many different types and it really is about the तो context, कहने का right? मतलब ये है कि इसकी कई अलग अलग Yeah, शैलियां होती thank you हैं. so much. We बहुत have शुक्रिया. already one person from the audience ready for making questions. ऑडियंस से एक Joyce, can you सवाल please आ open your रहा है. micro and your camera जॉय साहब अपना and go कैमरा और ahead. माइक ऑन करें और पूछिए सवाल. I think we don't listen to you, Joyce. हमें शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay, Joyce, so while you get ready, we have another question. Okay, Yes, sir. very good. I didn't have the Excellent. right to कांटेक्ट हो गया unmute. है. Now I have. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Right. Hi, Inga. हेलो इंगा. Good to see I know you, this Inga. voice. Yes, I know you too. And it's good to आपकी आवाज see जानी you. पहचानी लग रही है. So, मैं भी आपकी आवाज पहचानती हूँ. personally, have had the chance to meet you in person. You are मुझे आपसे full of मिलने का मौका energy मिला है. and आप हमेशा now ऊर्जा से listening to भरपूर your रहती हैं story. One of my और अब मैंने takeaways is आपकी you कहानी applied for सुनी 83 jobs. तो You मैंने called for ये three सबक लिया कि 83 and जॉब्स के लिए का interviewed for one अप्लाई and you किया. never got it and that had तीन से nothing to जवाब do आया with और my एक favor, you इंटरव्यू know. के लिए कॉल So आए और I'm उसमें भी just आपका wondering काम what नहीं gets बना. you going, what makes you wake तो मैं up, पूछना what चाहती gives हूँ you कि आखिर आप energy, इतनी Inga? हिम्मत कैसे जुटाती हैं कि इतनी निराशा के बावजूद Thank you, Joyce, आशावान and रहती it's so हैं. lovely to see जॉयस you बहुत as well. शुक्रिया, So, just आपको again, देखकर बहुत actually, अच्छा लग Joyce रहा है. and I, we met at the Award Women in Leadership course, हम which एक अवार्ड was विनिंग transformative लीडरशिप for any women फंक्शन leaders on the call में मिले who थे. have not taken that course. I highly recommend it. And not only because it took place in Mombasa, which is beautiful, but really ये transformative मुंबासा में हुआ था content. So इसका, that's लेकिन where I इसका met कंटेंट Joyce some बहुत ही years back. But Joyce, ट्रांसफॉर्मेटिव था. तो मैं आपसे कुछ yeah, साल पहले मिल I चुकी हूँ. think it's I don't have what keeps you up? What keeps you going? इस You know, सवाल it's का true. जवाब It's मेरे पास नहीं है कि really क्या बात आपको सक्रिय रखती है. and that experience of job hunting after university took a major toll on my self-esteem, and so having to rebuild, you know, build yourself back मुझे बार बार ये जो took some असफलता time. मिली Took some इसका time, I won't lie. मुझ पर गहरा असर पड़ा और मुझे इससे निकलने में You कुछ know, समय every लगा. so often you go through experiences like that that really test your resolve. इस तरह के अनुभव आपको नए नए रास्ते सुझाने में Sometimes मदद they chip करते हैं. away at the person, and sometimes and if you're lucky, you can piece yourself back. But it's कभी really कभी not. ऐसे There's हाथ no से आपको easy झटके दे answer देते हैं, for you. लेकिन There कभी are, कभी you know, आप उनसे silver सबक bullets लेकर वापस in that लौटते way. हैं. All right, thank you, Inga. शुक्रिया Thanks, इंगा. थैंक Isabel. यू जॉयस. Sorry, I was muted. Thank you so much, Joyce, for your kind बहुत question. शुक्रिया So we जॉयस. have more questions from the audience from ऑडियंस से Slido. और ज्यादा सवाल Let's see, हैं we have स्लाइडो के one. जरिए. पहला You have worked with सवाल है, SIMT. From your आपने point सिमिट के of साथ काम view, किया है, have आपके we नजरिए prepared से us? क्या हमने What प्रगति does की it? है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं? What can SIMT do better? Yes, Or सिमिट क्या question बेहतर कर together, सकता है questions. या साथ मिलकर? I think what you are doing with this webinar आप जो is कुछ भी कर रही हैं amazing. वो बहुत ही कमाल And का I है. don't just say that flippantly. मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूं I कि know मुझे कहना है. after discussions with SIG and some of my SIMIT मैंने colleagues सिग here और in मेरे Southern कुछ सिमिट कॉलिग Africa, से साथ में साउथर्न अफ्रीका the में बात की है, challenge उसके of बल पर ये कह रही हूं. recruiting women in your space महिलाओं को is a lot आपके harder स्पेस than what में it used रिक्रूट to करने be का for IMI, for काम example. काफी काम काम काफी मुश्किल है. Finding, you know, women agronomists or महिला एग्रोनॉमिस्ट it's a को चुनना challenge. And ये एक I would चुनौती है. say what you've done with a webinar like मैं कहना चाहूंगी this, कि आपने but also other जो कुछ किया है, practices, जैसे कि really वेबिनार या trying इसके अलावा और to भी दूसरी support प्रैक्टिसेस women जिनका मकसद scientists, women महिलाओं को, महिला professionals साइंटिस्ट को is सपोर्ट करना transformative है, in and of itself.
वो जीवन बदलने वाला है. हम एग्रोनॉमी के चेहरे को कैसे बदलें, साथ मिलकर हम ये काम कैसे कर सकते हैं, ये छोटे छोटे कदमों के जरिए ही संभव है. जैसे कि ये साइंटिस्ट को एनकरेज करना, उनकी प्रोफाइलिंग करना, उनके जरिए सीख. You know, really great best practice. I will take back to ये भी एक बहुत कमाल से मैं एमी में अपने साथ ले जाऊंगी कि हम इससे कैसे सीखें. You've made progress. आपने यकीनन तरक्की की है. बहुत बहुत शुक्रिया. It says you mentioned in your talk that there were about आपने अपनी टॉक में बताया कि जीवन में महिलाओं के कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं. आपको आप इन स्टीरियोटाइप से हम कैसे बचें और एग्री फूड सिस्टम्स में इनसे कैसे निजात पाई जाए, इस बारे में बताइए. I think first of all, acknowledging that those stereotypes exist. सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि ये stereotypes मौजूद हैं. Then acknowledging that we hold. उसके बाद ये मानने के बाद हमें stereotypes is the next step. So I'm sure many of you would have either taken a course or heard about unconscious bias. You know, and आपने unconscious bias के बारे में सुना होगा. We all hold deeply entrenched, often subconscious biases about others. हमारे दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं दूसरे लोगों के बारे में. Recruit somebody, right? An affinity bias. जिनके आधार पर हम लोगों को recruit करते हैं. Somebody that is very similar to us. They might not look like us, but जैसे they कि हम किसी ऐसे को कैसे रिक्रूट करें जो हमसे मिलता जुलता हो, preferences, mannerisms, जो उसकी आदतें हमसे मिलती हो. Right? How we, maternity bias के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हम subconsciously judge somebody who is about कैसे to go on किसी maternity leave. किसी ऐसी महिला को जज करते हैं जो छुट्टी पर जाने वाली है मैटरनिटी के लिए. Take them out of conversations of projects because they're going on maternity leave, or handing something over because they can't handle it, they're going on maternity leave. So I think कई मामलों में हम उन्हें इसलिए अपने फैसलों में शामिल नहीं करते क्योंकि वो मैटरनिटी लीव पर जाने वाली है. तो हमारे अंदर ये सब पूर्वाग्रह होते हैं जाने अनजाने में. तो पहले हमें इस बारे में समझना चाहिए, इन्हें मानना चाहिए. I would say that's perhaps a good first step. मुझे लगता है कि ये शायद पहला अच्छा कदम होगा इस दिशा. Yeah, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. About talking about obstacles that you may have. मैं बाधाओं के बारे में बात करूंगी. आपको अपने प्रोफेशनल करियर में कई बाधाएं आई, तो आप इस बारे में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि विमेन प्रोफेशनल या आम लोगों को इस बारे में क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? इन बाधाओं को कैसे पार करें? You know, I always found value in finding a mentor. मुझे मेंटोर को ढूंढने ढूंढना एक वाकई काफी बेशकीमती चीज लगा है. आपके कई तरह के मेंटोर्स हो सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए. कुछ ऐसे मेंटोर होंगे जो वर्क लाइफ बैलेंस कायम करने के बारे में आपको बताएंगे. कुछ ऐसे होंगे जो आपको अपने जो आपके करियर में आपको आगे बढ़ने के बारे में बताएंगे. कुछ मेंटोर ऐसे होंगे as sort of jinki madad aap perhaps central as financial planning, you know, planning for your financial retirement. Planning ke mamle mein le sakte hain. So retirement ki planning ke bare mein unki madad le sakte hain. I found the value of mentors really mujhe mentors ki in ahmiyat building up my survival toolkit. Apni survival toolkit ko banane mein bahut mahatvapurn lagi hai. Through these challenges and having somebody that you can talk to salahkaron ki salah ke zariye chunautiyon ka samna kar pate hain, raste nikal pate hain. Ye kafi madadgar sabit hote hain. Mentorship, shukriya. Mentorship planning kafi mahatvapurn hote hain. You were to create a superhero profile for yourself. Agar aapko koi superhero profile banana ho apne liye, what would be your superpowers? To aapki superpowers kaun si hongi aur kyun? So I'm quite a
big picture thinker, you know, I if I तस्वीर को काफी बड़ा करके देखती हूँ. Kind of a superpower, it would likely be something अगर मुझे like अपने अंदर कोई सुपर पावर चाहिए हो तो मैं फोरसाइट चाहूंगी. मैं कुछ ऐसी शक्ति चाहूंगी जिसके जरिए मैं भविष्य में देख सकूं. इससे आप भविष्य के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं. आप लंबी अवधि के लिए बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं. लेकिन साथ ही self-regulating, self-regulation भी करूंगी. अगर मुझे अगर मैं खुद को टेलीपोर्ट कर पाऊं तो वो भी कमाल होगा. In Dubai one day and in the evening be at home with my kids. मैं एक दिन दुबई जा सकूं और उसी शाम अपने घर लौट सकूं तो ये कमाल हो जाएगा. It's very important, family. फैमिली का बहुत महत्व होता है. Okay, about your area of expertise, water, growth, आपकी विशेषता का जो क्षेत्र है पानी समावेश, इनमें आपको चुनौती आती होंगी जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्या सलाह है आप, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए या फिर हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं वाटर ग्रोथ और इंक्लूजन के बारे में. I raised, and it's worth reiterating, you know, in my talk on embracing transdisciplinarity as individuals. For me, it's a really helpful way of navigating these very complex in systems thinking. We refer to it as wicked problems. समस्याओं से आगे निकलने का एक तरीका है. दुनिया में ऐसी बहुत सारी पेचीदा समस्याएं हैं जिनका अक्सर कोई एक समाधान नहीं निकलता है या फिर समाधान निकलता ही नहीं है. कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं. Transdisciplinarity is really about how we recognize both, you know, as I said, the diversity within our discipline, within our sector, within our context, and understanding इसके लिए हम विविधता का लाभ उठा सकते हैं. हमें यह समझना होगा कि ये अलग अलग पहलू कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इससे किस तरह से सहयोग करके समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है. तो ट्रांसडिसिप्लिनरिटी को अपनाना बहुत जरूरी है. समस्याओं के बीच में आपस में क्या संबंध है इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल बहुत जरूरी है. And again, this might be a bit contested, let's say, but science is only one knowledge that stakeholders use today. जिसका लाभ आज stakeholders और partners उठाते हैं. और कई मायनों में यह सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है. अगर आप AI की बढ़ती भूमिका को देखें, फेक न्यूज की बढ़ती भूमिका को देखें जो अन्य ज्ञान या एविडेंस के रूप हैं, right, however they are constructed, science needs to contend with all of these others. Science को इन सब के साथ content होना पड़ेगा, इनका सामना करना पड़ेगा. साइंस को न्यूट्रल होना चाहिए, इसे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए. जब इस तरह का विचार विकसित होगा तो इससे हम बहुत नम्र बन जाएंगे. साथ ही हम ये भी मानेंगे कि साइंस कितनी इम्परफेक्ट है, कितनी अपूर्ण है. Yeah, let me leave it at that. Yeah, thank you. And from your conversation, in your experience, what would be the advice then to give the woman in science? Women in science को आप क्या advice देना चाहेंगी जो science के क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं हैं?
support each other, right? मुझे लगता है कि आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. This is much easier said than done. I've certainly हालांकि ये कहना आसान है, करना मुश्किल. That, मैंने अपने काम वाली जगह पर ये अक्सर अनुभव किया है. Women tend to, not all women are collaborative. Not all women सभी महिलाएं कोलैबोरेटिव right? नहीं होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं. We know we've encountered, I'm sure everyone on the call has encountered, if you're a woman, you encounter another woman, the first, आपने ये देखा होगा instinct is to compete. कि महिलाओं के अंदर आपस में कंपीट करने का एक जज्बा होता है. I've made it here and I've made it the hard way. I'm not going to या ये भी हो सकता है कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैं दूसरी महिला को कोई मौका नहीं दूंगी क्योंकि मैंने ये जगह बड़ी मुश्किल से हासिल की है. लेकिन इस तरह के एटीट्यूड से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं मिलती है. अब सवाल यह है कि क्या ये फेवरेटिज्म है? Is it, काम वाली जगह पर क्या ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है? But I think giving that kind of पर मुझे support लगता है कि is really, इस तरह की सपोर्ट देना it can be subtle but it's really important in बहुत जरूरी है. हालांकि ये बहुत मामूली हो सकता है कि कैसे एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाए. Do have a much harder journey at times, especially in our fields. महिला साइंटिस्ट्स के लिए खासतौर पर हमारे क्षेत्र में सफर आसान नहीं होता है. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी है. अब हम इस वेबिनार को समाप्त करने वाले हैं. आपकी आखिरी सलाह क्या होगी आज की इस इवेंट को क्लोज करते वक्त? थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया. प्रेम, आपका शुक्रिया. सिग, आपका भी शुक्रिया. बाकी सब लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने मेरी बातों को सुना. ये एक बहुत ही ओपन और ऑनेस्ट डिस्कशन रहा. And we should definitely be having more of it. So well done. हमें इस तरह की चर्चाएं और ज्यादा करनी चाहिए. And I look forward to also listening in on many more. Thank you. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसी और चर्चाएं सुनने को मिलेंगी. Inga, sorry, for sharing with us your professional and आपने अपने अमूल्य विचार हमारे सामने रखे हैं, अपने जीवन की यात्रा के बारे में, साइंस और लीडरशिप के बारे में हमें बताया. एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. हमें अपने लिए मौके तैयार करने चाहिए और कोलैबोरेटिव अप्रोच रखनी चाहिए. काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. आपके तमाम अनुभवों को आपने हमसे शेयर किया, उनके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. आपने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नी के बारे में बताया. हम आपके अर्ली रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और उसके बाद के जीवन के लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं जो आप आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए मनमत संजोए हुए हैं. माफ कीजिए. We thank you so much for your valuable time for being here today. And thank you very much for sharing. आपका बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे डायरेक्टर जनरल की तरफ से कि आपने इतना समय निकाला. साथ ही हम ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया. Women Leaders in Science series. Have a nice day. Have a nice evening. Thank you all. Have a nice day. बहुत बहुत शुक्रिया. My name is Julia Sibiya. Julia Sibiya. मैं पेट्रमेट्रिसबर्ग साउथ अफ्रीका में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाजुलु नुटाल में प्लांट ब्रीडिंग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ. जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो लोग बस खेती के बारे में सोचने लगते हैं, यानी एक ऐसा काम जिसे आप बस हाथ से करते हैं. और इसी वजह से हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर दरअसल एक साइंस है जिस पर आपको फोकस करना है. पर मैं एग्रीकल्चर की अहमियत के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहूंगी, खासकर उन चुनौतियों के बारे में जिनका हम सामना कर रहे हैं, जिनसे आहार असुरक्षा और कुपोषण की समस्या खड़ी हो रही है.
और अफ्रीका के ज्यादातर देशों में ये एक हकीकत है, तो हमें इसका सामना करना है और इसके लिए हमें सक्षम लोग चाहिए। तो अगर हम ज्यादा साइंटिस्ट को ट्रेन कर पाए जो इन समस्याओं का हल निकाल सकें तो बेहतर होगा। मुझे इस बात का जुनून है कि और ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल साइंसेस के क्षेत्र में आए। Please join our next seminar in the Catalyst of Change series के हमारे अगले सेमिनार का हिस्सा बनिए 30 जुलाई 2024 को।